हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और यूनिक सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो या फेस्टिवल हो, हमारे घर में मिठाई के डब्बे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूज करने के बाद इनको उठाकर अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप इनको बिल्कुल भी कबाड़ में ना फेंके, इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब भी हम मार्केट से मिर्ची, धनिया, अदरक वगैरह लेकर आते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें अलग से कंटेनर यूज करना पड़ता है। तो आप उस कंटेनर को यूज ना करके इसके अंदर आप अपनी धनिया मिर्ची को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी सब्जियां जो है काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, और अलग से भी आपको कोई कंटेनर का यूज नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों स्वेटर को लेके। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, हमने धीरे धीरे स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कई स्वेटर्स के अंदर तो पॉकेट्स होती हैं, लेकिन कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉकेट नहीं होती है। तो हमें कई बार अपना कुछ जरूरी सामान ले जाना होता है, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है इस तरीके से ज्वेलरी पाउच, जो कि अक्सर हमारे घर पर पड़े होते हैं। तो आप क्या करें, ज्वेलरी पाउच लें और उसको अपने स्वेटर के अंदर की साइड पर किसी सेफ्टी पिन की मदद से लगा दें। आप चाहे तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपके स्वेटर में एक पॉकेट तैयार हो जाएगी और इसकी मदद से आप कोई भी अपना अर्जेंट सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कच्ची हल्दी को लेके, जो कि सर्दियां शुरू होते ही मार्केट में आनी शुरू हो जाती है। तो हमें इस हल्दी का सेवन अपने खाने में किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में हमारी हेल्प करती है और कई बीमारियों से हमें बचाती है। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक हल्दी का टुकड़ा लेना है और उसको आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेना है, और इसके बाद आपने लेना है थोड़ा सा शहद और चम्मच की मदद से आपने इस रस में अच्छी तरीके से मिला देना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं तो हमें सर्दी खांसी की समस्या शुरू हो जाती है। तो आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, किसी को, जिसको भी खांसी की समस्या है, आप उसको इसका एक चम्मच पिला सकते हैं। बड़े हैं तो आप पूरा चम्मच, और अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आप इसका आधा चम्मच उन्हें पिलाइए। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे आपको खांसी तो दूर होगी, साथ ही साथ सर्दी के कारण और भी आपको कोई समस्या है उससे भी आपको काफी फायदा पहुंचेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू के छिलकों को लेके, जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस नींबू के छिलकों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। उसके लिए आप क्या करें, आप ले एक पैन और उसके अंदर इन नींबू के छिलकों को आप डाल दें, और इसके बाद आपने डाल देना है पानी। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। उबालने के बाद इस सॉल्यूशन को हम छान लेंगे। अब छानने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए दोस्तों ही मैं बताती हूँ। तो रात के समय में हमारे किचन में कॉकरोचेस और कई तरीके के कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जो कि हमारे सारे किचन में फैल जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां फैलाने में सहायक होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पानी का इस्तेमाल आपने करना है रात के समय में अपने सिंक में, और आपने गरम गरम पानी को ही सिंक में डालना है। इससे क्या फायदा होगा, एक तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं आएंगे, और दूसरा कई बार हमारे सिंक में से अजीब सी बैड स्मेल लाती है, उसको भी दूर करने में ये पानी आपकी मदद करेगा। और साथ साथ अगर आपकी सिंक ब्लॉकेज भी हो गई है, तो उसकी ब्लॉकेज को भी ये दूर करने में आपकी मदद करेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है नींबू के छिलकों को लेके। यह उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो नींबू का छिलका लिया है, इसको आपने इस तरीके से राउंड में घुमा लेना है। ये देखिए, इसको मैंने गोल घुमा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है 3-4 लौंग, और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ लौंग को। चाहे तो आप इसको तोड़ के डाल सकते हैं, मैं इसको साबुती इसके अंदर डाल रही हूँ। अब अभी इसके अंदर डालना है हमें सरसों का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल है या कोई भी तेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इस तरीके से लेंगे एक बाती, और बाती लेके इसके अंदर अब हम डाल देंगे। अब मैं जलाने वाली हूँ इस दिए को। चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल अब हमें कैसे करना है, इसको मैं रखने वाली हूँ अपनी किचन सिंक में। ऐसा करने से क्या होगा कि रात के समय में जो भी हमारे सिंक में से कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस निकलते हैं, वो भी नहीं आएंगे। और दूसरा, इसके अंदर नींबू का एक्सट्रैक्ट है, जिसके कारण इसके अंदर से जो खुशबू निकलेगी वो हमारे किचन में कई बार नॉन वेज बनाने से जो बैड स्मेल आती है वो भी दूर हो जाएगी। और साथ साथ जो हमने इसके अंदर लौंग डाली है, उससे आपके जो किचन के सारे मक्खी मच्छर हैं वो भी भाग जाएंगे।
जिसके कारण डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसका इस्तेमाल आप किचन में नहीं, अपने घर में, आप कहीं भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है सिलेंडर को लेके। दोस्तों, जब भी हमारे घर पे सिलेंडर आता है तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, इसके ऊपर इस तरीके से डिजिट लिखे होते हैं, जो कि ज़्यादातर लेडीज़ को पता नहीं होता कि ये किस लिए लिखे हुए होते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसके अंदर ये जो डिजिट लिखे हैं, जिसमें पहला जो लिखा होता है वो होता है अल्फाबेट। ये हमारे साल के 3 महीनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसके अंदर सी लिखा हुआ है, सी का मतलब हुआ ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का है। और इसके अंदर ये जो न्यूमेरिक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ईयर का। तो इसका मतलब ये हमारा जो सिलेंडर है, ये हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर में से किसी भी मंथ में से और 2022 में ये सिलेंडर जो है हमारा एक्सपायरी हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास जैसे ये गलती से एक्सपायरी सिलेंडर आ गया है, तो अगर आपके पास भी ये सिलेंडर आ जाए तो आप इसको बिल्कुल ना रखें और इसको आप कंप्लेंट करके चेंज करा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको इसी तरीके से यूज करते हैं तो इसमें से काफी सारी गैस लीक हो सकती है और ये सिलेंडर किसी भी टाइम फट सकता है। तो अगर आपके पास गलती से ऐसा सिलेंडर आ जाए तो आप इसको कंप्लेंट करके चेंज करवा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से, जैसे इसके ऊपर सी लिखा है, अगर इसी तरीके से ए लिखा हो तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च है, और बी लिखा है तो अप्रैल, मई, जून है, और इसके ऊपर जैसे सी लिखा है तो इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर है, और डी लिखा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। इस तरीके से आप अपने सिलेंडर की पहचान कर सकते हैं और बहुत भारी नुकसान होने से बच सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है सिलेंडर को लेके। दोस्तों, जब भी हम सिलेंडर को इस तरीके से फर्श के ऊपर रख देते हैं और कोई स्टैंड नहीं रखते हैं तो फर्श पे जंग के दाग पड़ जाते हैं। तो अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम इसको कैसे रखें जिससे कि हमारा फर्श भी ना खराब हो और उस पे जंग के दाग ना पड़े? तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए ले आप अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की मेटल की चूड़ियां और अपने सिलेंडर के नीचे आप उसको रख दें। ये देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से, आप चारों तरफ मेटल की चूड़ियाँ रख देंगे तो उससे क्या होगा, जब आप सिलेंडर रखेंगे तो आपका सिलेंडर जो है फर्श के साथ टच नहीं होगा, जिसके कारण इसमें फर्श में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।